हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पार्ट 3। और डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स को अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ऑफ बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। लिपिड्स इंपॉर्टेंट डायवर्स ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। डायवर्स मीन्स वेरिएबल, जिनके डिफरेंट फॉर्म्स हों। और ये जो लिपिड्स होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये जो टर्म लिपिड है वो सबसे पहले प्रपोज किया ब्लूर ने 1943 में, ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में मगर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर और अल्कोहल में। तो लिपिड्स खुद ऑर्गेनिक हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, मगर पानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? सो व्हाई आर द लिपिड्स इनसॉल्युबल इन वाटर? द रीजन इज दैट द लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस हिटिंग। और दूसरा रीजन ये है कि वो फॉर एग्जाम्पल वो वाटर हिटिंग क्यों है? क्योंकि लिपिड्स नॉन पोलर हैं और पानी का मॉलिक्यूल पोलर है। लिपिड्स आर नॉन पोलर, इनके एंड्स पे चार्जेस नहीं होते, और जो पानी का मॉलिक्यूल है वो पोलर है, उसकी एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरी एंड पे आपको नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे। सो देयर इज नो वे फॉर वाटर टू अटैच अ लिपिड मॉलिक्यूल। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा डिफरेंस समझेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसके एक एंड पे आपको मोर पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे और दूसरे एंड पे आपको मोर नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे। अब देखें, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द इमेज शोइंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब आप यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के पार्ट को देखें जिसपे आपको स्लाइट नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे और हाइड्रोजन के ऊपर आपको स्लाइट पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1 और अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें 2.1, 1.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली शेयर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन है, पानी का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन ने डेवलप कर लिया स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर तो उसने डेवलप कर लिया स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन वाटर ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पानी पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें हमें एक एंड पे पॉजिटिव दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, मगर लिपिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके एंड्स पे चार्जेस नहीं मिलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो जाते हैं। अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट हैव चार्जेस प्रेजेंट एट द एंड, व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू द रीजन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से लिपिड्स में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और उनकी एंड्स पे हमें चार्जेस नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से लिपिड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स की बात की गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो लिपिड्स के कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह, लाइक कार्बोहाइड्रेट, इनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है, मगर लिखा गया है दे कंटेन लेजर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देन द कार्बोहाइड्रेट। इनके पास ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। देखिए स्टीयरिन एक एनिमल फैट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां पे दिया गया है C57, हाइड्रोजन 110 एंड ऑक्सीजन जस्ट 6। अब आप इसको कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से, स्टीयरिन एनिमल फैट है जिसका फार्मूला है C57H110O6। अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक डायसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट सक्रोज से जिसका फार्मूला है C12H22O11। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको
ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे और यहाँ पे सिर्फ 6। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों के पास है, लिपिड के पास भी, कार्बोहाइड्रेट के पास भी, लेकिन आपको लिपिड्स में ऑक्सीजन का रेशो कम मिलेगा। और अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा हैं, ठीक है, ड्यू टू द हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हमें कहां पे ज्यादा मिलेंगे, लिपिड्स में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स के टाइप्स डिस्कस किए गए सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों के न्यू बुक में, सबसे पहला जो टाइप लिपिड्स का डिस्कस किया गया है असाइल ग्लाइसरोल, जिसके एग्जाम्पल हैं फैट्स और ऑयल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहली लाइन में लिखा गया है कि ये जो असाइल ग्लाइसरोल बनते हैं, दे आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड। यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल का मिलेगा और यहाँ पे दिस इज फैटी एसिड 1, दिस इज फैटी एसिड 2, दिस इज फैटी एसिड 3। जब हम एक ग्लाइसरोल को कंबाइन करेंगे 3 फैटी एसिड से, तो हमें जो असाइल ग्लाइसरोल मिलेगा उसका नाम है ट्राइग्लाइसराइड। तो सबसे पहले हम देखें कि ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम इनकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, तो आप ग्लाइसरोल को कैसे डिफाइन करोगे? ग्लाइसरोल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल विथ 3 कार्बन्स, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 5 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 5 एंड 3 हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप। दिस इज हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप 1, दिस इज हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप 2 एंड दिस इज हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप 3। तो ग्लाइसरोल के पास 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप होते हैं। उसके सामने हमने ये पहला फैटी एसिड रखा, ये दूसरा फैटी एसिड रखा, ये हमने तीसरा फैटी एसिड रखा। तो फैटी एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो देखें, फैटी एसिड्स आर कार्बोजाइलिक एसिड, क्योंकि इनके एंड पे कार्बोजाइल ग्रुप होता है, COOH। डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बोजाइल ग्रुप है विद द जनरल फार्मूला RCOOH। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो R है, ये एक हाइड्रोकार्बन का चेन है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैटी एसिड होता है, ये स्टार्ट होता है CH3 से, मिथाइल से, CH3 मिथाइल से। उसके बाद R ग्रुप होता है, वेरिएबल नंबर होते हैं हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन का ये जो पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको डियर स्टूडेंट्स R ग्रुप कहते हैं। ये वेरिएबल होता है फैटी एसिड टू फैटी एसिड, ये मैंने बना लिया R ग्रुप। और डियर स्टूडेंट्स, उसके एंड पे ये होगा कार्बोजाइल ग्रुप, तो एंड पे हम क्या रखेंगे, कार्बोजाइल ग्रुप, कार्बोजाइलिक एसिड। तो ये जो फैटी एसिड होता है, उसमें पहला मिथाइल ग्रुप होता है, उसके बाद जो R ग्रुप होता है वो वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन का एक स्ट्रेट चेन होता है, और एंड पे क्या होता है, कार्बोजाइलिक एसिड। तो अब हमने देख लिया कि ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम डियर स्टूडेंट्स, इस ग्लाइसरोल को इस 3 फैटी एसिड से कंबाइन करेंगे 3 ईस्टर बॉन्ड से, और जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो ट्राइग्लाइसराइड मिलेगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला ग्लाइसरोल है, इसको हम फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3 से लिंक करेंगे, कौन से प्रोसेस में, कंडेंसेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें बनाने होंगे 3 ईस्टर बॉन्ड, और पहले ईस्टर बॉन्ड में हमें पहला पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से हम H और दूसरे से OH निकालते हैं। जब दूसरा ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, और जब हम तीसरा ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ट्राइग्लाइसराइड। सो व्हाट इज ईस्टर बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स, एन ईस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल OH एंड कार्बोजाइलिक
ग्रुप सी डबल ओ एच फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये अल्कोहल है और ये है सी डबल ओ एच कार्बोजाइलिक ग्रुप। अब हम इनको जिस जिस बॉन्ड के थ्रू हम जोड़ेंगे उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, और जब ईस्टर बॉन्ड बनता है तो इस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। देखें डियर स्टूडेंट्स ईस्टर बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ईस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला आर सी डबल ओ आर। तो यहां पे आप आर पूछोगे, आर किसे कहा गया है, वेयर आर एंड आर आर द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। ये हाइड्रोजन और कार्बन के या चेन्स हैं या एक छोटा सा ग्रुप है। अब हम ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आर हाइड्रोकार्बन का चेन है कार्बो सॉरी फैटी एसिड का, और इस फैटी एसिड के एंड पे कौन सा ग्रुप आपको डी एस नजर आ रहा है, कार्बोजाइलिक एसिड सी डबल ओ एच, और ये साइड हाइड्रोकार्बन है अल्कोहल का, इट मींस ग्लासरोल का। ग्लासरोल के पास तीन हाइड्रोक्साइल अल्कोहल होते हैं तो ओ एच से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ईस्टर बॉन्ड बनता है कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल में। देखें कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, कार्बोजाइलिक एसिड से ओ एच रिमूव कर लेंगे और हम इस अल्कोहल से एच रिमूव कर देंगे, और जब हम इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखें ये आर सी डबल ओ आर ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। यहां पे डियर स्टूडेंट्स ये जो आर है वो यहां पे बच गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, वो भी यहाँ पे आपको नजर आएगा। हमने यहां से ओ भी निकाल लिया, एच भी निकाल लिया और ये एच भी निकाल लिया, तो उसके बाद क्या बचता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने रख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोकार्बन का ग्रुप आर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स आर सी डबल ओ आर, आर सी डबल ओ आर ये फार्मूला है ईस्टर बॉन्ड का, जहां पे आर और आर हाइड्रोकार्बन के ग्रुप्स हैं और ये जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड बना ईस्टर बॉन्ड। तो याद रखिएगा ईस्टर बॉन्ड बनता है कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल के बीच बाय रिमूवल ऑफ वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड फाउंड बिटवीन अल्कोहल ग्रुप एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप बाय रिमूवल ऑफ वाटर। और डियर स्टूडेंट्स फैट्स और ऑयल्स एग्जांपल्स होते हैं असाइल ग्लिसरॉल के। फैट्स यूजुअली हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं और ऑयल्स हमें प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके बीच में ईस्टर्स बॉन्ड्स बनते हैं, सो दे आर डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। व्हाट इज ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड और लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल ग्रुप जिसको मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं और ऑर्गेनिक एसिड सी डबल ओ एच कार्बोजाइलिक एसिड। अल्कोहल होगा ग्लाइसरोल के पास और कार्बोजाइलिक एसिड होगा फैटी एसिड के पास। और इस रिएक्शन को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन। सो व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑर्गेनिक एसिड कार्बोजाइलिक एसिड विथ एन अल्कोहल ओ एच टू फॉर्म एन ईस्टर आर सी डबल ओ आर। डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला आर है ये हाइड्रोकार्बन का चेन है फैटी एसिड का, और ये जो दूसरा आर है वो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है अल्कोहल का। देखें डियर स्टूडेंट्स ईस्टरिफिकेशन जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया, ईस्टरिफिकेशन में हम क्या कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को अल्कोहल से। तो यहां पे आपको डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड नजर आएगा जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, सी डबल ओ एच फैटी एसिड के पास होता है और ये आर हाइड्रोकार्बन का चेन है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये है ओ एच अल्कोहल ग्लाइसरोल का, इसके बीच में हम ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। इसके बीच में डियर स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड बना, ईस्टर बॉन्ड। और ईस्टर बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर सी डबल ओ और ये हो गया दूसरा आर, आर सी डबल ओ आर। इस प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन।
जब हम एक ऑर्गेनिक एसिड को अल्कोहल से कंबाइन करेंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर, हमने तीन ईस्टर बॉन्ड बनाए और यहाँ पे आपको तीन वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करने पड़ेंगे। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द असाइल इन ट्राइग्लिसरॉल। हमें तीन असाइल के ग्रुप्स मिलेंगे ट्राइग्लिसराइड में, असाइल वन, असाइल टू, असाइल थ्री, जिसकी वजह से हम इसको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। तो अब हम डिफाइन करेंगे असाइल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, असाइल द पार्ट ऑफ फैटी एसिड, ये जो मैंने यहां पे लिखा है असाइल वन, असाइल टू, असाइल थ्री, ये फैटी एसिड के पार्ट हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं? कनेक्टेड टू ऑक्सीजन ऑफ ग्लिसरॉल इन ट्राइग्लिसरॉल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये जो आपको पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन या तीसरा ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन ग्लिसरॉल के हैं और पार्ट ऑफ द फैटी एसिड्स कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये फैटी एसिड का पार्ट जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो इसको कहेंगे असाइल ग्रुप, और तीन फैटी एसिड से तीन असाइल ग्रुप बनेंगे, जिसकी वजह से हम इस कंपाउंड को ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। दिस इज वेयर द टर्म ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कम्स फ्रॉम। तो डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड का वो पार्ट जो ग्लिसरॉल के ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो जाता है उसको असाइल कहते हैं। तीन असाइल के ग्रुप बनेंगे जिसकी वजह से हम इसको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का नाम भी देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ग्लिसरॉल के लिए लिखा गया है कि ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, क्योंकि इसके पास तीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप वन, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप थ्री। तो इसके पास तीन अल्कोहल होते हैं, तीन हाइड्रोक्साइल के ग्रुप होते हैं। सो ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल और इसके पास तीन OH के ग्रुप हैं। अब हम इनको कंडेंस करेंगे फैटी एसिड्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स के एंड्स पे हमें ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा, कार्बोजाइलिक एसिड, दूसरे पे भी कार्बोजाइलिक एसिड और तीसरे पे भी कार्बोजाइलिक एसिड। जब हम इनके बीच में ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन करेंगे, तीन ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा ट्राइग्लिसराइड, इसमें ये तीनों OH के ग्रुप जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स जो पहले मौजूद थे यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे असाइल वन, यहाँ पे असाइल टू, यहाँ पे असाइल थ्री। तो OH ग्रुप निकल गए, गुरु किससे निकल गए? ग्लिसरॉल से। तो यहां पे पढ़िएगा, देयर ट्राइग्लिसरॉल आर न्यूट्रल। ये जो ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल बनाया हमने, न्यूट्रल है नेचर में। क्यों? बिकॉज ऑल द थ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल बिकम बॉन्डेड विद द फैटी एसिड एंड नो चार्ज बियरिंग OH इज लेफ्ट। बीच में सिर्फ ऑक्सीजन का बॉन्ड रह गया और सिर्फ एक असाइल का ग्रुप हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इनको हम न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, असाइल ग्लिसरॉल के दो टाइप्स लिखे गए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में जो एग्जांपल दिया गया है वो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल का फैट्स, फैट्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। यहां पे लिखा गया है, दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दैट इज दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स के एंड पे ऑर्गेनिक एसिड होता है, कार्बोजाइलिक एसिड, ये है उसका आर ग्रुप हाइड्रोकार्बन का चेन। और देखें डियर स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। तो ऐसा असाइल ग्लिसरॉल जिसके फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए, उसको सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्टीयरिन फैट, एक एनिमल फैट है। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की तरफ, जिसका एग्जांपल है ऑयल्स, और ऑयल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नजर आएगा और यहाँ पे भी आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नजर आएगा। सो दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, that is they contain one or more double bond between the carbon atoms of hydrocarbon chain, जिसे आप और हम R group कहते हैं। और आगे लिखा गया है, they have
stable physical state usually found in liquid state at ordinary room temperature. ये हमें प्लांट से मिलते हैं और एग्जाम्पल दिया गया है लिनोलेन ऑयल फाउंड इन सीड. तो दोनों के जो फैटी एसिड्स हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स में डिफरेंट होता है, एक के पास सैचुरेटेड और दूसरे के पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं. आखिर में कुछ एनर्जी का लिखा गया है, लिखा गया है कि ये जो असाइल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दे आर रिच इन केमिस्ट्री, दे आर रिच इन केमिकल एनर्जी, और इनमें डबल एनर्जी होती है देन द कार्बोहाइड्रेट्स. उसको तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, उनके पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं. अब देखें एक एवरेज 16 kg फैट का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन जिसके पास एवरेज 16 kg फैट है, तो उसके 16 kg फैट में कितना अमाउंट होगा एनर्जी का. तो देखें यहाँ पे लिखा गया है 144 मल्टीप्लाइड बाय 10^3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो 10^3 है ये फैक्टर है किलो का, और इसको हम सिंबल देते हैं कि 10^3 आप कैसे लिखोगे. 10^3 कैन बी रिटन एज 10 × 10 × 10, इट इज इक्वल टू 1000 किलो, 1000 को कहते हैं. तो यहां पे लिखा गया है 144 मल्टीप्लाइड बाय 10^3, तो ये 10^3 तो 1000 के बराबर होता है, तो आप 144 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो ये होगा 1,44,000. सो 16 kg ऑफ फैट इज इक्विवेलेंट टू 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स में जो फैट्स हैं उनमें डबल एनर्जी पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में. तो ये था असाइल ग्लाइसरॉल और उसके दो टाइप्स, फैट्स और ऑयल्स, और इनको हम कॉमनली ट्राई ग्लाइसराइड या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.